बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पहले दो पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर है प्लानिंग अ सोल्यूशन। ओके जी, हमने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में ये पढ़ा था कि हमारी प्रॉब्लम में एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, सेकेंड ये होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए और उसके गोल भी क्लियर होने चाहिए। नाउ देन हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में हमने आइडेंटिफाई किए थे 5 W, डैट इज़ व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु। नाउ प्लानिंग अ सॉल्यूशन, जब हमें ये पता चल गया, हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, तो देन द थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो हम अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। आफ्टर एनालाइज करने का मतलब होता है तजिया करते हैं। हमने पूरी अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन भी कर दिया, हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्लान अ सोल्यूशन। हम अपने प्रॉब्लम को, हम अपने प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसको प्लान करते हैं, और उसको प्लान करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम चार स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड कंकर, गैस चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप। ओके जी, डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर में हम ये करते हैं कि हमारी जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, जिस तरह एक घर बन रहा है, तो अगर उस अगर एक दीवार बनानी है और अगर एक मिस्त्री उस दीवार को एक दिन में कंप्लीट करता है, तो अगर हम चार मिस्त्री लगा लें तो वो दीवार 2 घंटों में कंप्लीट हो सकती है। तो क्या हुआ कि हमने अपने काम को डिवाइड कर लिया। इसी तरह जो डेवलपर होता है, जो प्रोग्रामर होता है बेटा, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ये नहीं होता कि एक ही पर्सन सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कुछ लोग रिक्वायरमेंट फेज पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं, देन उसके बाद आपकी डिज़ाइन फेज के बाद आप लोगों की कोडिंग होती है, देन उसके बाद आप लोगों का कोई एरर अगर आता है तो उसको डिबग किया जाता है, उसके बाद उस पर टेस्टिंग होती है, एंड देन आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे इशू में डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी मैं कॉमन एग्जांपल दूँ, अगर आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, तो बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, तो उसके चार ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम क्या करते हैं कि इन चार ऑपरेशन को सिंगल सिंगल में डिवाइड कर लेते हैं। चार प्रोग्रामर एक प्लस पे काम कर रहे हैं, एक माइनस पे, एक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पे, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सेकेंड इज गैस चेक एंड इम्प्रूव। द डिज़ाइनर गैस इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ अ सोल्यूशन। इफ द सोल्यूशन इज नॉट राइट, देन ही और शी डिफाइन द सोल्यूशन। जैसे बेटे आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप उस पर एक फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं नहीं जी आंसर सही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कोई हो सकता है या फार्मूला गलत हो या हमने कोई वैल्यू गलत की हो। अगर वो फार्मूला सही नहीं उस पर अप्लाई हो रहा था, हम कोई और फार्मूला लगाते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है, तो अगर इस पर मैं ये इम्प्लीमेंट करूँ, देन चेक करते हैं अगर उस तरह अगर वो फंक्शनैलिटी के थ्रू हमारा काम कर रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम कोई और फंक्शनैलिटी लगाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली क्या, गैस चेक एंड इम्प्रूव, यानी हम गैस करते हैं कि ये करके देखें तो क्या होगा, देन हम उस पर चेक करते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी आया, जो हमारी हमारी कस्टमर की नीड है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो देन हम दोबारा उस पर काम करते हैं। एक्ट इट आउट इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द बेस्ट टू डू टास्क, देन ही और शी परफॉर्म द टास्क। ओके जी, एक्ट इट आउट बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका प्रोग्रामर होता है वो एक लिस्ट बना लेता है कि उसने कौन कौन से काम करने हैं। बेसिकली ये जो है, ये जो स्टेप है, इसमें हम एल्गोज लिखते हैं। एल्गोज क्या होते हैं, बेसिकली हम स्टेप्स लिखते हैं, हम स्टेप लिख लेते हैं कि इसके बाद हम ये काम करेंगे। बेसिकली आपका प्रोग्रामर ये डिसाइड कर लेता है कि अगर ये काम करूँगा इसके बाद ये कर लूँगा, तो इसी तरह मेरी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आसान होती जाएगी। यानी कि हम स्टेप्स लिख लेते हैं और आपके पास प्रोग्रामर जो है वो एक लिस्ट बना लेता है कि उसको क्या क्या काम करने हैं। प्रोटोटाइप ड्रॉ क्या है, दिस टेक्निक ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, और बेसिकली इसमें ये जो लास्ट है प्रोटोटाइप, इसमें हम क्या करते हैं, फ्लोर चार्ट बनाते हैं, हम पिक्चर्स बनाते हैं जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को और अपने सॉल्यूशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटा जैसे कि हमने एक पीछे कोट भी थी आपकी बुक में, दैट इज़ पिक्चर लाउडर देन वर्ड्स। तो आप अपनी पिक्चर से क्लियरली अपनी बात को समझा सकते हैं बनिस्बत अल्फाज के।
Now define candidate solution. The word candidate means something spontaneous and unplanned. Candidate solution क्या होता है बेटा? For example, आपके पास दो नंबर है, टू टू और टू, और हम कहते हैं कि टू और टू को इन दोनों नंबर को कुछ भी करना है तो आंसर फोर आना चाहिए. तो इसके तीन मेथड है बेटा. टू प्लस टू भी फोर हो सकता है, टू मल्टीप्लाई टू भी फोर हो सकता है, और माइनस टू और माइनस टू भी फोर हो सकता है. तो अब हम ये हमारे पास कैंडिडेट सोल्यूशन है कि अब हमने इनमें से देखना है कि हमारे पास बेटर सोल्यूशन कौन सा है. अगर आपकी बुक की एग्जाम्पल ली जाए तो इसमें यह दिया हुआ है कि अगर आपके पास आपको कहा जाए कि आप अपने स्कूल की तमाम क्लासेस में से देखें कि कौन कौन से बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उसके कितने सोल्यूशन है. इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप हर क्लास में जाके बच्चों को खड़ा करें और उनसे पूछें और उनमें से सिलेक्ट कर लें कि हर क्लास में जाके चेक करें कि कौन कौन से बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं. दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि आप पूरी एक एक करके क्लासेस को ग्राउंड में लेके जाएं और सबको क्रिकेट खिलाएं और उनमें से जो सही खेलता है उसको सिलेक्ट कर लें और जो नहीं खेलता उसको निकाल दें. या तीसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप एक क्लास में से मैक्सिमम बच्चों को खड़ा करते हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, चार या पाँच. तो आप कहते हैं कि अगर एक क्लास में चार या पांच बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं तो इसका मतलब है कि बाकी सब क्लासेस में से भी चार या पांच बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं. तो बेसिकली कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन है और आप ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सा सोल्यूशन चूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्कूल से घर जाना है तो बेटा आपके घर जाने के डिफरेंट रास्ते हैं. तो अब आपने सोचना है कि कौन से रास्ते से आपने घर जाना है. सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन में अब आपके पास हम इसमें बेस्ट बेटर अब इसमें हम ये डिसाइड करते हैं. समटाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम के. तो इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है, कौन सा सोल्यूशन है जिसमें हमारा टाइम भी कम लगे, टाइम कम हमारा कंज्यूम हो, हमारा बजट भी कम लगे और हमारे पास हमारा सोल्यूशन भी बेस्ट हो, हमारे पास जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है वो बहुत अच्छा हो. तो इसके लिए हम अपना बेस्ट सोल्यूशन डिसाइड करने की कोशिश करते हैं. अगर इस एग्जांपल को देखा जाए जो आपके बुक में दी हुई है, उसमें यह है कि अगर आपने ये सर्च करना है कि आपके किसी बच्चे का नाम सर्च करना है वेबसाइट पर, तो इसके चार सोल्यूशन हैं. या तो ऐसा करें कि आप वेबसाइट पर ए टू जी सारे नाम रीड करें. सेकेंड यह है कि आप तमाम नेम की प्रिंट कर लें और उनमें से आप एक एक करके देखना शुरू करें कि कौन से बच्चे का नाम आपको फाइंड करना है. या इसका एक और तरीका है कि आप एक्सेल शीट पे जाके अल्फाबेटिकली बच्चों के नाम लिखें और उसमें से सर्च कर लें. या इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करें. फाइंड का एक बटन होता है, एक कीबोर्ड से एक की होती है कंट्रोल प्लस एफ, आप उसको प्रेस करें और आपको स्पेसिफिक जो भी बच्चे का नाम चाहिए उससे रिलेटेड अगर एक से ज़्यादा नाम भी हैं तो वो लिस्ट आ जाएगी और आप वहाँ से जिस बच्चे का नाम आपने सर्च करना है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोल्यूशन चूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज फ्लोट चार्ट? फ्लोट चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, जो पिक्चर्स हम बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लोट चार्ट. बेसिकली हम अपने पिक्चर की मदद से अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. फ्लोट चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन. जब भी हमने अपने सोल्यूशन को प्लान करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और उन पिक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोट चार्ट कहते हैं. और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है. इससे हम ईजिली अपने सोल्यूशन को, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढ सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लोट चार्ट. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें इनपुट चाहिए होती है, टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र, जिसमें हम यूज़र से डाटा लेते हैं, प्रोसेसिंग, कोई ना कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. और आउटपुट किसके होता है, टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन. ये देख रहे हैं पिक्चर्स में आपको क्लियर हो रहा है. इनपुट होती है प्रोसेसिंग, ये मीन्स कोई ना कोई काम हो रहा होता है, एंड देन आपके पास आउटपुट होती है. अच्छा जी, फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स होते हैं, सबसे पहले फ्लो लाइन होती है. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट. जिस तरह आपके आपके पास जो भी आपका प्रोग्राम है वो रन कर रहा होता है, इसी तरह ये जो फ्लो लाइन है ये आपको उसी तरह रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इस स्टेप के बाद कौन सा काम हो रहा है, इस स्टेप के बाद कौन सा काम हो रहा है.
सेकेंड है टर्मिनल्स, बेसिकली इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट. ये स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट पे हम बनाते हैं, दैट इज नॉन एज टर्मिनल. ये ओवल शेप के होते हैं. देन उसके पास आता है, आपके पास ये रेक्टेंगल शेप होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेसिंग. यानी कोई भी फार्मूला हम लिख रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है, उसके लिए जो जो शेप यूज़ होगी दैट इज़ नॉन एज रेक्टेंगुलर शेप, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग के लिए ये शेप यूज़ होती है. देन डिसीजन के लिए डायमंड शेप यूज़ होती है. इसमें हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सा काम होगा, और अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो कौन सा काम होगा. देन इनपुट एंड आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम की शेप यूज़ होती है. इट इंडिकेट द इनपुट ऑफ अ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग रिजल्ट टू द यूज़र. देन एक कनेक्टर यूज़ होता है. ये कनेक्टर हम बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं, कि अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा है और आपका एक पेज पे नहीं आ रहा है, तो हम जहाँ तक वो फ्लो चार्ट एक पेज पे बन रहा है उसके लास्ट में हम कनेक्टर लगा देते हैं. देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट, ताकि ये फ्लो चार्ट का ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट से कनेक्ट हो सके. ओके जी, आपके पास एक पहली एग्जांपल है फ्लोर चार्ट की. इसमें हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फारेनहाइट में. सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया जाएगा और आपने इसे फारेनहाइट में करना है. स्टार्ट इसमें इनपुट क्या ले रहा है, वो कोई भी नंबर या टेम्परेचर जो कि सेल्सियस में ले रहा है. फिर आपको पता है इसके लिए फार्मूला है सी मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32. ये फारेनहाइट का जो ये आप देख लें, ये ब्लू में जो हो रहा है ये प्रोसेसिंग हो रही है, एंड देन आप प्रिंट कर रहे हैं फारेनहाइट को, एंड देन आपका फ्लो चार्ट स्टॉप हो रहा है. दिस फ्लो चार्ट शोज दैट आफ्टर स्टार्ट अ कंप्यूटर. बेसिकली इसमें स्टार्ट के बाद क्या कर रहा है, कंप्यूटर कोई भी नंबर या कोई भी टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में इनपुट ले रहा है. देन उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहा है जिसमें हमने फार्मूला लगाया, एंड देन उसके बाद वो काम करके वो सारी प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट फारेनहाइट में दे रहा है, एंड देन आपका काम स्टॉप हो गया. इसके बाद सेकेंड फ्लोर चार्ट की एग्जांपल है टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स. आपके पास मास भी है और फोर्स भी है, एज ए इनपुट आप ले रहे हैं और आपने एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाया और एक्सीलरेशन प्रिंट कर दिया. इसके अलावा टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसके में आपने इनपुट लिया एजिस और वॉल्यूम का फार्मूला लगाया और प्रिंट हो गया. इसी तरह आपने टू फाइंड प्लेन इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट. इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली वो प्रॉफिट जो आपकी सेविंग में लगता है, या वो अमाउंट जो आपकी जब आप अपने अकाउंट में पैसे सेव करते हैं तो उस पर जो बेसिकली कहते हैं सूद लगता है, दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट. तो उसमें क्या करते हैं, हम इनपुट लेंगे अमाउंट, रेट, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा है, और ईयर, ठीक है. और इसका फार्मूला क्या है, अमाउंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, और इससे पहले जो आपके पास स्पेसिफिक रेट है कितने पैसों पर इतना इंटरेस्ट लगेगा डिवाइडेड बाई 100 करके, फिर उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन ईयर से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको प्रिंट करा देना है. सॉरी. देन हमने सम प्रोडक्ट और एवरेज लेने हैं किसी भी 5 नंबर का. तो हम क्या करेंगे बेटा, 5 नंबर हम इनपुट ले लेंगे, पहले उनकी सम लेंगे फिर उनका प्रोडक्ट लेंगे. सम ले लेंगे फिर प्रोडक्ट ले लेंगे. एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि हमने हमारे पास जितने भी नंबर हैं उनका सम लेके डिवाइड बाई टोटल नंबर. तो हमारे पास 5 नंबर हैं, तो हम पहले सारे 5 नंबर का सम लेंगे डिवाइड बाई 5 करके, और फिर हम प्रिंट कर देंगे सम प्रोडक्ट एंड एवरेज. इसी तरह टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपके पास पैरेललोग्राम कौन से थे जिसकी आमने सामने वाली साइड सेम होती हैं. इसमें हम क्या लेंगे, इनपुट करेंगे बेस और हाइट को, और आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला होना चाहिए, दैट इज़ बेस मल्टीप्लाई हाइट. देन आप एरिया को प्रिंट करा देंगे. थैंक यू क्लास. एनी क्वेश्चन आप पूछ लें बेटा. इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी सेंड कर दूँगी, काइंडली वो देख लीजिएगा. थैंक यू.